आज आप लोग के बीच में ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आज पढ़ाएंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज देखिए लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में आपका फर्स्ट में तो आपका डिफरेंशिएशन बताया गया था इंट्रोडक्शन, दूसरा में पिछले क्लास में बताया गया था आपका मॉडुलस आर्गुमेंट कंजुगेट वगैरह। आज बताएंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लीजिए हम लोग पोलर फॉर्म लाने के लिए है ना दो लाइन लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, और इस लाइन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग है ना एक पॉइंट लेते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ना, जैसे एक्स पर ईयर वाई पर ईयर, लेकिन दोनों के बीच में क्या होंगे पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, चाहे इसको हम लोग एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं, ये क्या कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। एक पोल से मिला दिया गया है ना इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को पोल से मिलाया गया तो यहां तो कल बताया गया था पीछे ग्राफ में आर बोलते हैं इसको है ना, और एंगल कितना बनेगा इसका है ना, क्या बनता है एंगल, एंगल जो इसका बनता है वह बनता है एंटी क्लॉकवाइज, और कितना बनता है एंगल थीटा। अब ऐसे पढ़ाएंगे एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है एंगल नेगेटिव होता है। अब यहां पर पोलर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे पी से पीएम एक लंब डालेंगे यहां पर, जो क्या एस का पैरेलल एक्स हो गया और वाई के पैरेलल क्या हो गया यहां पर वाई हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग पॉइंट को एक्स वाई को पोल में लाएंगे, देखिए अब पढ़ेंगे कार्टीजन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, पढ़ लीजिए ना कार्टीजन कोऑर्डिनेट पढ़ेगा, कार्टो को क्या होता है एक्स और वाई होता है, क्या एक्स और वाई, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर ऑफ थीटा, समझ गए। अगर पूछ दे कार्टीजन कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा वाई, पोलर कोऑर्डिनेट तो आर कॉमा थीटा, तो आर कॉमा थीटा जो लेते हैं है ना, यानी कि हमको एक्स वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट वी किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आज हम सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पोलर बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा पोलर है ना, उसके लिए आपको साइन पढ़ना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और जो नेक्स्ट डे में होगा। आज केवल पोलर फॉर्म देख लीजिए, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, एंड वी ज्वाइन किसे ओ टू ओ पी, किसे पोल से, वी ड्रा पर्टिकुलर देन, अगर ऐसा किए तो क्या गया मेरा ओ पी बराबर आर आया, और एंगल पी ओ एम बराबर कितना आ गया थीटा, पी ओ एम नहीं पी ओ एस लिखिए, एम तो अभी बात की बात है ना, ऐसा पी ओ एस क्या है थीटा है, तब क्या करेंगे वी ड्रा परपेंडिकुलर कितना वी ड्रा, समझ गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट, वी ड्रा परपेंडिकुलर कितना पी टू पीएम पीएम ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कीजिए चाहे ओ एक्स पर लीजिए, देन वी गेट क्या प्राप्त हुआ मेरा कि एस का पैरेलल था इसीलिए वैल्यू क्या हो एम बराबर एक्स, वाई के पैरेलल है ना तो पी एम बराबर कितना हो गया वाई, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग का, क्लियर यहां तक है। अब देखिए नेक्स्ट
अब हम लोग क्या निकालेंगे ओपी का मान इन फिंगर पीओएम में, ध्यान दीजिए क्या पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर बराबर ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में कहता था कितना था ओपी कितना आर है, आर बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड फिर चलिए इसी में थीटा का मान निकालते हैं, टेन थीटा बराबर कितना होगा पीएम बटे ओएम कितना हो गया वाई बाय एक्स, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स, समझ गए। फिर आपको यह एंगल दिया गया है, एंगल का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है पी ए, ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट एंगल है राइट एंगल अपोजिट साइड होता है हमेशा ये होता है, बाकी जो बच गया वो क्या होता है बी बेस। तो टेटा का मान क्या होता है पी एम यानी क्या पी बटे बी, पी बटे बी यानी कि वाई बटे एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया आपका थीटा का वैल्यू आ गया। अब नाउ अगेन फिर एक बार और ले लीजिए एक्स वाई का मान के लिए इन ट्रिंगल पीओएम में ही कितना हुआ कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच यानी कितना ओएम बटे ओपी यानी कितना हुआ एक्स बटे आर, एक्स का मान कितना हो गया आर कॉस थीटा, एक्स क्या था रियल पार्ट, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स क्या है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना आ गया आर कॉस थीटा, ये हमेशा हम लोग पुट करेंगे हमेशा कि रियल पार्ट बराबर आर कॉस थीटा, आपको एक्स आपका क्या था रियल पार्ट था, तो क्या आ गया रियल पार्ट किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कितना आर कॉस थीटा लेंगे। अब चलिए आगे एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया पी बाई एच, पी कितना पी एम बटे ओ पी यानी वाई बाई आर, आर का मान वाई का मान कितना हो गया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, यहां तक क्लियर है पर वाई क्या था इमेजनरी पार्ट, क्या था इमेजनरी पार्ट, तो देखें इमेजनरी पार्ट जब भी आए आपको है ना जरूरत पड़े, रियल पार्ट में कुछ भी हो या एक्स आ गया तो इसलिए जगह अगर रियल पार्ट में जो भी है तो रियल पार्ट रहा आर कॉस थीटा होगा, इमेजनरी पार्ट में जो भी दिया हुआ पी क्यू आर कुछ भी दिया हुआ है ना तो कितना हुआ वाई बराबर आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हमेशा पुट करेंगे। अब इतना निर्णय बनाइएगा सब जगह आपको ही मिलेगा आपको आगे चल करके। अब पोलर फॉर्म निकालना है तो क्या किसका पोलर फॉर्म निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या लेंगे एक्स लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एक्स प्लस आई वाई जो है कार्टीजन फॉर्म में है, क्या है कार्टीजन फॉर्म में। अब यहां पोलर फॉर्म में क्या होगा एक्स का मान निकाल चुके हैं कितना आर कॉस थीटा, और वाई का मान कितना है आर साइन थीटा, तो कितना हो गया आपका दोनों को अगर मिला दिए जाए दोनों को एक साथ कर दिए जाए तो कितना आएगा आपका, देखिए एक्स प्लस आई वाई बराबर कितना हो गया आर कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या बन गया पोलर फॉर्म। तो दिस इज रिक्वायर्ड
इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ जे बराबर एक्स प्लस वाई का उसी का पोलर फॉर्म है। वेयर वेयर कर लीजिए, वेयर ए आर का मान कितना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंड थीटा का मान कितना टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं इसको, है ना, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एग्जांपल में फाइंड यह फिर से रिपीट कर रहा है, यह जो बताया गया आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, हम सेकंड थर्ड फोर्थ सब बताएंगे एक करके, लेकिन एक एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आज केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख लीजिए, जो एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव है। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ किसका वन आयटा वन प्लस आयटा, ठीक है ना, टू प्लस रूट थ्री, चाहे वन प्लस रूट थ्री आयटा। इस तरह से एग्जाम में आता है, कभी कभी पूछता है कि पोलर फॉर्म बताइए दोनों में, है ना, तो कैसे बताइएगा, तो देखिए इसको बताते हैं हम। पहले देख लीजिए किसी को बना रहे हैं, हम एक तो बना के दिखाते हैं आपको कि वन प्लस रूट थ्री आई, तो जिसको ही बनाना है तो बनाने का तीन चार तरीका है। तीन चार तरीका में आप कोई भी तरीका अपना कर बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि वन प्लस, जैसे मान लेते हैं कि एक्स प्लस आई बाय जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कितना दिया हुआ है, जिसको बोलिए जैसे वन प्लस रूट थ्री आई, तो वन प्लस क्या हुआ रूट थ्री आई। देन तब एक्स का मान कितना हो गया वन, वाई का मान कितना हो गया रूट थ्री। तो हियर आर का मान कितना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा थ्री हो जाएगा, कितना अंडर रूट फोर का मान कितना हो गया टू। एंड थीटा मान कितना हुआ टेन इनवर्स, टेन इंटा का मान कितना हुआ टेन इंटा का मान कितना वाई बटे एक्स, तो वाई का मान कितना है रूट थ्री बटे वन। अब रूट थ्री किसका मान होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री मान होता है टेन में कितना होता है टेन पाई बाय थ्री का, पाई बाय थ्री में कितना रूट थ्री होता है कितना हुआ थीटा बराबर पाई बाय थ्री। अब क्वेश्चन होता है आपका कि पोलर फॉर्म थीटा के मान का हल कर गया, वी नो डैट अभी अभी प्रयोग थे एक्स प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म जो है कितना होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कितना हो इसका मान वन प्लस रूट थ्री आई, कितना हो गया आर का मान टू दिया हुआ है, इसका मान कितना है कॉस थीटा का मान कितना है पाई बाय थ्री प्लस आई साइन पाई बाय थ्री। और भी बहुत सारा तरीका है निकालने का, डायरेक्ट डायरेक्ट देखिए क्या है कि रियल पार्ट वी पुट रियल पार्ट बराबर आर कॉस थीटा, डायरेक्ट देंगे रियल पार्ट वन बराबर आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट रूट थ्री बराबर आर साइन थीटा, और करके बना लेंगे। ये एग्जाम्पल इस तरह देखिए क्या कि हम लोग जो आगे पढ़ेंगे इसमें तो एक जोन में माता लॉन्ग में तो हमको जरूरत पड़ेगा ऐसा ही बनाने के लिए। मान लीजिए वन प्लस आटा इसका पोलर फॉर्म पूछा है, तो वी पुट रियल पार्ट बराबर कितना आर कॉस थीटा, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है वन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है इमेजिनरी पार्ट आर का है पीछे क्या वन ही रहता है इमेजिनरी पार्ट उसका वन, तो वन बराबर कितना आर साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट भी वन है तो
अब क्या करेंगे, वन मान लीजिए फिर कितना, टू मान लीजिए, स्पारिंग एंड हेडिंग, स्पारिंग एंड एडिंग वन एंड टू, तब क्या हुआ, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ने जोड़ दिए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना बचा, टू बचा आर स्क्वायर गुने कितना, इसका मान वन होता है, आर का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट टू हो जाएगा, आर का मान निकल गया, अब थीटा का मान निकल क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू बाय वन, ये जनरल मेथड है, क्या हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल मेथड, ये जनरल मेथड होता है जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बहुत तरह के इंटायर को भी इस तरह बना सकते हैं, बहुत बड़ा को कितना हो गया आर के मान का गया एन डिवाइड कितना हुआ ना, तो वन बटे वन कितना हो गया आर साइन थीटा बटे आर कॉट थीटा, अब थीटा थीटा कैंसिल आर के कितना टेनिटा, टेनिटा का मान कितना हो गया वन हो गया, कितना आ गया वन आ गया, तो टेन थीटा वन किसका होता है, टेन पाई बाय फोर का मान क्या होता है वन होता है, तो थीटा का मान कितना हो गया पाई बाय फोर हो गया, अब थीटा का मान मालूम है, इसका मान मालूम है तो निकाल लीजिए, वन प्लस आई बराबर कितना होगा, हेंस वन प्लस आई वन मान कितना आर को थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, आर कॉमन लेंगे अब आर का मान मालूम है कितना रूट टू, थीटा का मान कितना है पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर, यह दूसरा मेथड है, एक छोटा ट्रिक्स बताएंगे आपको लेकिन पूरा पूरा पहले पढ़ लीजिए, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, सेकंड थर्ड सब क्वाड्रेंट बताएंगे आपको अलग अलग मेथड से, और इससे भी छोटा मेथड बताएंगे, ये जनरलाइज मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, आप नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि अगर यही पोलर कोड पोलर फॉर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में न रह करके सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड का मतलब क्या, इसे मान लिया कि इसमें एक्स और वाई था, इसमें क्या होगा माइनस एक्स और वाई, तब क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा तब क्या होगा, एक्स और माइनस वाई रहेगा तब क्या होगा, हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से।